सो हे एवरीवन, दिस इज दीक्षा एंड यू आर वॉचिंग पीटीएस कैट एक्सपर्ट। सो गाइज, आज के इस वीडियो के अंदर हम सीखने वाले हैं कि कैसे आप 3ds मैक्स के अंदर जाले को डिज़ाइन कर सकते हैं। नाउ ये वाली चीज़ जो होती है वो बहुत से लोगों को कॉम्प्लिकेटेड लगती है, क्योंकि जाले के अंदर आप देख सकते हो डिफरेंट डिफरेंट तरीके के पैटर्न्स क्रिएट किए जाते हैं। यहाँ पर एक डिफरेंट पैटर्न यूज़ किया गया, यहाँ पर एक डिफरेंट पैटर्न है। तो बहुत से लोगों को ये लगता है कि सभी स्प्लाइंस को हमें मैन्युअली क्रिएट करना पड़ता है, एक एक लाइन को लेकर के हम उसको वहाँ पे एडजस्ट करते हैं। जबकि 3ds Max में हमारे पास बहुत सारी टोपोलॉजीज गिवन होती है। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं कि सारे शेप्स आपको गिवन होते हैं, आप डायरेक्टली इन शेप्स को पिक कर सकते हैं और किसी भी तरीके की बेसिक जाली को आप ईजिली इन शेप्स की हेल्प से डिज़ाइन कर सकते हैं। ना सिर्फ आप यहाँ पे बेसिक जाली को डिज़ाइन कर सकते हैं, इवन जो कॉम्प्लिकेटेड डिज़ाइंस होते हैं जहाँ पे पैटर्न्स एक्चुअली रिपीट नहीं करते हैं, उसको क्रिएट करने के लिए भी 3ds Max में बहुत ही सिंपल सा ऑप्शन है। नाउ उसके लिए हमें 3ds Max प्लस डिफरेंट डिफरेंट साइट्स का यूज़ करना पड़ता है, या फिर आप फोटोशॉप का यूज़ कर सकते हो। एज यू ऑल नो कि 3ds Max के अंदर हम जब इम्पोर्ट करते तो 3ds Max बहुत सारे जो फॉर्मेट्स होते हैं वो यहाँ पे सपोर्ट करता है, और उसमें से एक फॉर्मेट होता है AI फॉर्मेट, दैट इज़ Adobe Illustrator। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे अगर मैं आपको शो करूँ, यहाँ पे देख लीजिए, जैसे गूगल के अंदर से हमें क्या करना होता है, सबसे पहले एक पिक्चर हम लोग यहाँ पे चूज़ करते हैं कि किस तरीके की जाली डिज़ाइन आप क्रिएट करना चाहते हैं। जैसे आप यहाँ पे बहुत सारे डिज़ाइन देख सकते हो जो कि रिपीटेड पैटर्न में नहीं है, डिफरेंट डिफरेंट पैटर्न यहाँ पे क्रिएट किए गए हैं। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, कन्वर्टियो साइट का यूज़ करते हैं या फिर फोटोशॉप का हम लोग यूज़ करते हैं, और यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, इमेज को हम लोग उस फॉर्मेट के अंदर कन्वर्ट करते हैं जो कि 3ds Max आपका सपोर्ट करता है। सबसे पहले हम उसे यहाँ पे कन्वर्ट करना सीखेंगे। दो मेथड हम लोग कवर करेंगे, एक साइट के थ्रू रहेगा गूगल वेबसाइट्स के थ्रू, और एक हम लोग कवर करेंगे यहाँ पे फोटोशॉप के थ्रू। एंड एट द एंड यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कुछ इस तरीके के जाले डिज़ाइंस हम लोग 3ds Max के अंदर बनाना सीखने वाले हैं, जो कि एक्सटीरियर और इंटीरियर के अंदर दोनों ही पोर्शन के अंदर आपका यहाँ पे यूज़ होता है। सो मेक श्योर ये वीडियो बहुत इन्फॉर्मेटिव होने वाला है, आप इसे एंड तक ज़रूर देखें। एंड अगर आप 3ds Max को प्रोफेशनली सीखना चाहते हैं तो आप हमारे ऐप को इंस्टॉल कर सकते हैं, जिसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जहाँ पे आप एक बहुत ही अफोर्डेबल फीस के अंदर कंप्लीट 3ds Max को इन डिटेल सीख सकते हैं। इवन आप हमारा PDS CAD Expert ऐप भी इंस्टॉल कर सकते हैं, जहाँ पे आपको मोर देन 40 प्लस प्रोग्राम के अंदर डिफरेंट डिफरेंट तरीके से ट्रेनिंग्स प्रोवाइड की जाती है, जो कि आपकी ऑनलाइन ट्रेनिंग्स भी होती है, कुछ कोर्सेज आपको रिकॉर्डेड मिल जाते हैं। कोर्स का भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, एज वेल एज आपको ऐप का भी लिंक मिल जाएगा, तो वहाँ से आप दोनों चीज़ों को चेक कर सकते हैं। सो दैट्स इट, विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। यहाँ पे फर्स्ट मेथड के अंदर हम लोग कवर करेंगे कि कैसे आप प्लेन की हेल्प से टोपोलॉजी को क्रिएट करेंगे और उसकी हेल्प से आप यहाँ पे जाली को बनाएंगे। तो उसके लिए सबसे पहले आपको एक बेसिक शेप की रिक्वायरमेंट होगी, तो उसके लिए मैं यहाँ पे प्लेन को सेलेक्ट करूँगी। एंड लेट्स सपोज टॉप व्यू पॉइंट से हम उस प्लेन को बना रहे हैं, यहाँ पे आपको करना क्या है, उस पर्टिकुलर शेप को क्रिएट कर देना है। जितना लेंथ और विड्थ का आप यहाँ पे जाली लेना चाहते हैं उसके अकॉर्डिंग आप रखेंगे। मान लीजिए कि मुझे 6 फिट बाय 4 फिट का चाहिए, तो मैंने उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे डिफाइन किया उसका लेंथ और विड्थ। लेकिन यहाँ पे सबसे इम्पॉर्टेंट जो रोल रहेगा वो आपका सेगमेंट्स का रहेगा। तो आपको करना क्या होगा, यहाँ पे आपको सेगमेंट्स को इंक्रीज करना है। तो लेंथ के अंदर हम यहाँ पे 20 सेगमेंट्स देंगे और विड्थ के अंदर यहाँ पे 40 सेगमेंट्स ऐड करिए, ठीक है। या फिर आप थोड़ा सा रिड्यूस कर दीजिए, इसे 20 है, आप इसे अप्रोक्स 15 रखिए, इसको बिल्कुल अपोजिट कर देंगे हम लोग। यहाँ पे मुझे रखना है 40 और यहाँ पे मुझे रखना है 50। तो ये मैंने डिफाइन किया, थोड़ा बहुत अगर आप इंक्रीज करना चाहते हैं तो वो आप अपने अकॉर्डिंग एडजस्ट कर सकते हैं। सेगमेंट्स को डिफाइन करने के बाद सेकेंड स्टेप आपका यहाँ पे क्या होगा, उस पर्टिकुलर शेप को पोली के अंदर कन्वर्ट करना, क्योंकि टोपोलॉजी आपकी पोली में क्रिएट होती है। तो उसके लिए आपको करना क्या है, राइट क्लिक करना है एंड कन्वर्ट टू एडिटेबल पोली। पोली में कन्वर्ट करने के बाद यहाँ से आप पिक करेंगे एज को, एज पे सेलेक्ट कर लीजिए, और यहाँ पे आपको सिंपली सभी एजेस को सेलेक्ट कर लेना है कंट्रोल प्लस ए को प्रेस करके। मॉडलिंग टैब के अंदर रिबन मेन्यू में आपको मिलेगा, अगर इन केस ये ऑप्शन आपको विजिबल नहीं है तो आप इस ऑप्शन को यहाँ से मैक्सिमाइज कर सकते हैं। क्या आपने मैक्सिमाइज करने के बाद यहाँ पे देख लीजिए, मॉडलिंग पोर्शन में आपको एक ऑप्शन मिलता है पॉलीगन मॉडलिंग का, इस पर्टिकुलर ऑप्शन के ऊपर आप क्लिक करेंगे और यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिलेगा जनरेट टोपोलॉजी।
इस ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर डिफरेंट डिफरेंट पैटर्न्स मिलते हैं, तो आप किस पर्टिकुलर शेप में उसे कन्वर्ट करना चाहते हैं वो आप यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं। मान लीजिए कि ऐसा केओस करके आप इसे ऐड करना चाहते हैं, आपको सिंपली इस पर क्लिक कर देना है, ये ऑटोमेटिकली क्या करेगा उसे उसमें कन्वर्ट कर देगा। कंपोजिट कर दीजिए, कोई और शेप आप रखना चाहते हैं जैसे मान लीजिए इस तरीके का, ठीक है, मोज़ेक आप रखना चाहते हैं, आप इसे यहाँ पर पिक कर सकते हैं। वो शेप यहाँ पर क्रिएट हुआ और इसकी हेल्प से आप डिफरेंट डिफरेंट पैटर्न्स बना सकते हैं। जैसे ये मैंने एक शेप बनाया एंड यहाँ पे जो लेंथ थी वो मैंने दे दी 6 फिट, विड्थ मैंने दिया यहाँ पे 4 फिट, और इसके आप यहाँ पे मल्टीपल कॉपीज ले सकते हो, जैसे 10 फ्रॉम एंड मैंने यहाँ पे इसकी लेट सपोज 2 कॉपीज ली है। तो करने का तरीका बिल्कुल सेम रहेगा, सेलेक्ट करके कन्वर्ट कीजिएगा पॉली में, शेप को पिक कीजिए, एजेस को सेलेक्ट कीजिए और यहाँ पे आपको एक शेप को पिक करनी है। जैसे 10 फ्रॉम इस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट में करना चाहते हैं, आप नंबर 2 को भी प्रेस कर सकते हैं एज को ओपन करने के लिए, सेलेक्ट करके आपको सिंपली इस पर सेलेक्ट करें, जैसे फ्लोरिंग के लिए है अब यहाँ पे इसको पिक कर सकते हैं, क्लियर। इसके लिए आप ऐड करना चाहते हैं सेलेक्ट कीजिए, एच पे जाइए, कंट्रोल इसे पिक कीजिए और यहाँ से आप क्या करेंगे कोई डिफरेंट पैटर्न ऐड कर देंगे। जैसे मान लीजिए 10 फ्रॉम ये मैंने ऐड किया, तो यहाँ पे मैंने क्या किया डिफरेंट डिफरेंट पैटर्न्स फर्स्टली मैंने यहाँ पे क्रिएट किए। यहाँ पे मैं F4 की को प्रेस करूँगी और एजेस को देखने के लिए। नाउ अभी ये क्या हुआ है, यहाँ पे फेस बने हैं, अभी इस फेस को हमें क्या करना है, यहाँ पे जो एजेस है उसको शेप में कन्वर्ट करना है। तो उसको शेप में कन्वर्ट करने के आपके पास 2 मेथड होते हैं। फर्स्ट मेथड ये है कि आप यहाँ पे क्या करें, पॉलीगन को लें, कंट्रोल ए से आप यहाँ पे सभी पॉलीगन्स को पिक करें, थोड़ा सा आप इसको स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिलेगा इनसेट का, आपको क्या करना है सेटिंग्स के ऑप्शन पे क्लिक कर देना है और यहाँ से आपको इनसेट डिफाइन करना है। लेकिन राइट नाउ क्या हो रहा है, वो कंप्लीट पोर्शन को जितना मैंने सेलेक्ट किया है उसको कंप्लीट को यहाँ पे इंसर्ट कर रहा है, लेकिन मुझे अलग अलग जो मेरे पॉलीगन्स उसमें अलग अलग वो चाहिए, तो मैं यहाँ पे क्या करूँगी, यहाँ पे इंसर्ट के अंदर राइट नाउ ग्रुप सेलेक्टेड है, मैं यहाँ पे इसको क्लिक करूँगी और यहाँ पे मैं इसको कर दूँगी बाय पॉलीगन, ठीक है। अभी क्या होगा, वो अलग अलग पॉलीगन्स को ऐड करेगा, ये चीज़ डिफाइन करके आप सिंपली यहाँ पर टिक कर सकते हैं। अभी मान लीजिए कि बाहर वाला शेप रखना है, तो आप यहाँ पे क्या करेंगे, इसको सिंपली डिलीट कर देंगे, आपको शेप मिल गया, पॉलीगन पे जाइए, कंट्रोल से सेलेक्ट कीजिए और सिंपली आप यहाँ पे इसको क्या कर सकते हो, एक्सक्लूड कर सकते हो, क्लियर। बॉटम वाला फेस जो आपको यहाँ पर रिमूव हो गया है उसे ऐड करने के लिए क्या करेंगे, हम लोग यहाँ पर बॉर्डर को पिक करेंगे, कंट्रोल ए और सिंपली आप यहाँ पर इसको कैप कर देंगे, ठीक है। फिर इसको रहने दीजिएगा, ज़्यादा ज़रूरी नहीं है, अदर जो कंप्लीट फेस को यहाँ पे क्रिएट करेगा, ठीक है। अगर आप स्टिल ऐड करना चाहते हैं तो आप इसको मिरर कर दीजिए, शेप को एग्जैक्टली मिरर कर दीजिए, दोनों को कनेक्ट कर दीजिए, वो आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। जैसे एक दफ़ा फिर देख लेते हैं, सिलेक्ट किया मैंने, क्या करना है मुझे, पॉलीगन कंट्रोल ए, यहाँ से मैं क्या करूँगी उसको इनसेट एंड क्या कर देंगे बाय पॉलीगन। जो शेप आपको डिफाइन करना है वो शेप डिफाइन कीजिएगा, टिक कर दीजिए एंड लेट सपोज इस टाइम मुझे अंदर वाला पार्ट चाहिए, बाहर वाला नहीं चाहिए, तो मैं कंट्रोल आई करके इसको सिंपली डिलीट कर सकती हूँ, तभी क्या होगा मेरे बाहर वाला फेस डिलीट हो जाएगा। एंड एक्सट्रूड करने के लिए सिंपली सेम मेथड का आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, ये आप कर सकते हैं। तो एक मेथड जहाँ पे क्या कर रहे हैं, पॉलीगन्स के थ्रू वर्क कर रहे हैं, एक मेथड होता है जहाँ पे आप डायरेक्टली एजेस के थ्रू वर्क कर सकते हैं, तो उसको आप कैसे करेंगे, यहाँ पे आप उस शेप को पिक करेंगे, क्लिक करेंगे आप यहाँ पे मॉडिफाई पैनल पे और यहाँ पे आपको एजेस को पिक करना है, कंट्रोल ए कीजिए, एजेस को सेलेक्ट कीजिए और यहाँ पे आपको करना क्या होगा, क्रिएट शेप फ्रॉम सिलेक्शन, इस पर्टिकुलर ऑप्शन पे टिक करना है। यहाँ पे आपको 2 ऑप्शन मिलते हैं, एक आपको मिलेगा स्मूथ, एक आपको मिलेगा लीनियर। अगर इन केस आप यहाँ पे स्मूथ को पिक करते हैं और फिर आप यहाँ पे ओके करते हैं, तो यहाँ पे क्या होगा कि आपके जो कॉर्नर्स थे, यहाँ पे देखिए कॉर्नर वो इस तरीके से चले 90 डिग्री के एंगल पे, लेकिन यहाँ पे जाके वो चीज़ क्या हो गई, आपकी स्मूथ हो गई। अगर इन केस आप क्या कर रहे हो, सेम मेथड का यूज़ कर रहे हो, क्रिएट शेप फ्रॉम सिलेक्शन पे आप क्लिक करोगे, लेकिन यहाँ पे आपने क्या किया, आपने लीनियर को पिक करके ओके किया, तो अभी क्या होगा, वो चीज़ एग्जैक्टली आपकी कॉर्नर टू कॉर्नर पे मूव करेगी, ठीक है। जो आपके कॉर्नर्स होंगे वो एग्जैक्टली आपकी 90 डिग्री पे जाएंगे एंड इनको आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे जाकर के इरिटेबल स्पाइन में कन्वर्ट हो गया है, इनेबल इन ब्लेंडर और इनेबल इन व्यू, ठीक है, ये आपने किया। फिर सर्कुलर पैटर्न लेना है, रेडियल पैटर्न लेना है, तो आप ये रख सकते हैं, कितना आप रेडियस देना चाहते हैं वो चीज़ आप डिफाइन करेंगे। एंड अगर आपको यहाँ पे रेक्टेंगुलर पैटर्न लेना है तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे वही चीज़ इनेबल इन रेंडर, इनेबल इन व्यू पोर्ट,
और इसकी टाइप को आप चेंज कर देंगे रेक्टेंगुलर पैटर्न में। फिर कितना लेंथ आप रखना चाहते हैं और कितना विड्थ आप रखना चाहते हैं वो चीज़ आप डिफाइन कर दीजिए एंड दैट्स इट। ठीक है, तो अगर आप यहाँ पे क्या कर रहे हैं, जनरेट टॉपोलॉजी की हेल्प से यहाँ पे क्रिएट करना चाहते हैं जारीज वगैरह को, तो ये मेथड रहेगा। ये हो गया आपका फर्स्ट मेथड, जहाँ से आप क्या कर सकते हैं, डिफरेंट डिफरेंट तरीके की जालीज को क्रिएट कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे क्या है, लिमिटेशंस है कि आपको जो पैटर्न दिए हुए हैं आप उन्हीं पैटर्न पे वर्क कर सकते हो। इन केस कोई डिफरेंट पैटर्न है आप उसको यहाँ पे कन्वर्ट करना चाहते हैं, तो उसे कन्वर्ट करने के लिए आपके पास दो मेथड होते हैं। ठीक है, अभी वो दो मेथड कौन कौन से हैं, तरीका सेम है, दोनों में एक ही चीज़ क्रिएट होगी लेकिन तरीके आपके पास दो अलग अलग रहेंगे। एक हम वर्क करेंगे साइट के थ्रू, एक हम वर्क करेंगे फोटोशॉप के थ्रू। मैं आपको दोनों ही तरीके समझाने वाली हूँ। तो उसके लिए सबसे पहले आपको करना क्या होगा, आपको गूगल पे जाना है और यहाँ पे आपको सर्च करना है ब्लैक एंड वाइट जाली डिज़ाइन, ये आपने सर्च कर लेना है। यहाँ पे जाइएगा इमेजेस पे और आपको यहाँ पे क्या मिलेंगे, डिफरेंट डिफरेंट तरीके के जालीज के डिज़ाइन मिलने वाले हैं। एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए कि आप इनमें से कोई भी शेप को क्रिएट करना चाहते हैं, जैसे हम कोई भी एक शेप पिक कर लेते हैं। मान के चलिए इस तरीके का ये पैटर्न है, ये आप क्रिएट करना चाहते हो, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, उसे यहाँ पे इमेज को सेव करेंगे। फॉर्मेट आपका यहाँ पे होना चाहिए जेपीजी, पीएनजी, टारगा, जो भी फोटोशॉप आपका सपोर्ट करता है वो कोई भी फॉर्मेट होगा वो आप रखिएगा और सिंपली आप यहाँ पे इसको सेव करेंगे। फाइल को सेव करने के बाद आपको फोटोशॉप पे जाना है और यहाँ पे उस पर्टिकुलर इमेज को, जो इमेज आपने डाउनलोड किया है उसको क्लिक कीजिए, ड्रैग करके लेके आइए और यहाँ पे रख दीजिए। ठीक है, यहाँ पे क्या होगा, आपकी जो इमेज होगी वो यहाँ पे इम्पोर्ट हो जाएगी। अभी यहाँ पे मुझे क्या करना होगा, ध्यान से देखिएगा, जो आपका 3ds Max है उसके अंदर सपोर्ट देखिए कौन कौन से जो आपके फॉर्मेट होते हैं उसको सपोर्ट करते हैं। तो यहाँ पे आपका .3ds, .prj, .abc, .ai, Adobe Illustrator को ये चीज़ सपोर्ट कर रहा है। और फोटोशॉप के अंदर हमारे पास ऑप्शन होता है कि आप एक इमेज को इस पर्टिकुलर फॉर्मेट के अंदर .ai फॉर्मेट के अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं, तो वो चीज़ हम यहाँ पे करेंगे। तो कैसे करना है आपको, उसके लिए यहाँ पे आप चले जाइए, अभी जो पैटर्न आपको नहीं चाहिए उस पैटर्न को आपको रिमूव करना है, तो आप यहाँ पे इस ऑप्शन पे क्लिक करेंगे नाजिक वेन टूल पे और यहाँ पे शॉर्टकट इसके लिए होता है W। आप उस शेप को पिक करेंगे जिसकी आपको ज़रूरत नहीं है, क्लिक आपने किया, सिंपली आपको क्या करना है उस चीज़ को यहाँ पे डिलीट कर देना है। लेकिन उससे पहले एक चीज़ का ध्यान रखिएगा कि ये आपका एक पर्टिकुलर लेयर के अंदर कन्वर्ट होना चाहिए। राइट नाउ ये किसके अंदर है, बैकग्राउंड के अंदर है, तब क्या करेंगे, राइट क्लिक कर दीजिए और यहाँ पे आपको क्या करना है, लेयर फ्रॉम बैकग्राउंड इस पर्टिकुलर ऑप्शन पे क्लिक करना है, लेयर का नेम दीजिएगा और सिंपली यहाँ पे ओके कर दीजिए। अब आपको सेम चीज़ को रिपीट करना है, तो सिलेक्ट कीजिए, मान लीजिए कि मुझे ब्लैक वाला पोर्शन है चाहिए, वाइट वाला चाहिए, मैं ब्लैक वाले पोर्शन को सिलेक्ट करके डिलीट करूँगी। और अगर इनकेस आप वाइट वाला पैटर्न रखना चाहते हो तो आप इसे यहाँ पे पिक करेंगे, लेकिन यहाँ पे क्या हुआ, वो एक ही चीज़ को पिक कर रहा है। आप यहाँ पे क्लिक करके यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, सिलेक्ट टैब पे जाइएगा और यहाँ पे कर दीजिए सिलेक्ट सिमिलर, सिमिलर पे क्लिक कर देंगे, सारी चीज़ सिलेक्ट हो गई एंड देन आप यहाँ पे डिलीट कर सकते हैं, डिलीट हो गया आपका यहाँ पे। नाउ आपको करना क्या है, यहाँ पे इस पर्टिकुलर ऑप्शन पे क्लिक करना है। ये क्या करेगा, आपकी कंट्रोल के साथ पिक कीजिएगा, तो यहाँ पे ये क्या करेगा, वो सारे जो पैटर्न है ना उसको यहाँ पे ऐड कर देगा। ठीक है, इसे करने के बाद मुझे इस कंप्लीट एरिया के अंदर क्या करना है, एक पाथ को क्रिएट करना है। तो बॉटम में एक ऑप्शन देखिएगा, आपको एक ऑप्शन मिलेगा, एक ऑप्शन आपके पास यहाँ पे होता है, इस पर जाइएगा पाथ टैब पर, फिर क्लिक कीजिएगा। यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिलने वाला है, विच वन मार्क मेक वर्क पाथ फ्रॉम सिलेक्शन, आप इस पर्टिकुलर ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे, तो ये क्या करेगा, वहाँ पे एक पाथ को क्रिएट कर देगा। सेम चीज़ यहाँ पे आप क्लिक कर दीजिएगा कंट्रोल के साथ, तो वो कंप्लीट को सिलेक्ट कर लेगा। देन हम क्या करेंगे, इस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट को जो हमने पाथ यहाँ पे क्रिएट किया है उसको हम .ai फॉर्मेट के अंदर कन्वर्ट करेंगे। उसके लिए आपको करना क्या है, फाइल टैब पे जाना है, यहाँ से आप क्लिक करेंगे एक्सपोर्ट टैब पे और सिंपली आपको क्या करना है, पाथ टू इलस्ट्रेटर इस पर्टिकुलर ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। क्लिक कीजिए, पाथ डिफाइन कीजिए और सिंपली आप यहाँ पे ओके करेंगे। कहाँ आप सेव करना चाहते हैं वो फॉर्मेट पे जाइएगा और यहाँ पे मैंने डाल दिया जाली। ठीक है, सिंपली मैंने इसको सेव किया, तो यहाँ पे मैंने क्या किया, एक इमेज को AI फॉर्मेट के अंदर कन्वर्ट। अभी कैसे करेंगे, वर्क कैसे करेंगे मैक्स के ऊपर, इसको मैंने सेलेक्ट कर लेना है और थोड़ा सा मैं इसको यहाँ पे मूव कर दूँगा। ठीक है,
अभी आपको करना क्या है, उस फाइल को इम्पोर्ट करना है। तो फाइल टैब पे जाएंगे, इम्पोर्ट के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, यहाँ से आप करेंगे इसे इम्पोर्ट, सेलेक्ट कीजिए और सिंपली आप इसको ओपन कर दीजिए। दो ऑप्शन आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे, एक है मर्ज ऑब्जेक्ट विद करंट सीन, एक है कंप्लीट रिप्लेस करंट सीन। अगर आप मर्ज ऑब्जेक्ट पे जाते हैं तो वो क्या करेगा, इसी पर्टिकुलर फाइल में आपके उस ऑब्जेक्ट को मर्ज करा देगा, उसी में ऐड कर देगा। और अगर आप सेकंड ऑप्शन पे जाते हैं तो आपकी एक ब्लैंक फाइल, एक सेपरेट फाइल ओपन होगी। तो मुझे सेम के अंदर करना है तो मैं यहाँ पे इस ऑप्शन पे क्लिक करूँगी और सिंपली मैं यहाँ से ओके कर दूँगी। नाउ दो चीज़ें आती हैं यहाँ पे, देखिएगा जो हमने यहाँ पे फाइल के ऊपर हम वर्क कर रहे थे, तो यहाँ पे क्या था, डिफरेंट डिफरेंट शेप्स थे, एक ये शेप है, एक ये शेप है, एक ये शेप है, बहुत सारे शेप्स हैं। अगर आप उन सभी शेप्स को अलग अलग रखना चाहते हैं तो आप मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स पे क्लिक करेंगे, और अगर आपको सिंगल ऑब्जेक्ट पे कन्वर्ट करना है तो फर्स्ट ऑप्शन पे जाएंगे और यहाँ से आप इसे ओके कर देंगे। पैटर्न आपके आ गए, ये देख लीजिएगा, थोड़े से इसे कर दीजिए यहाँ पे स्केल, एंड क्योंकि ये एडिटेबल स्प्लाइन में कन्वर्ट है और यहाँ पे वो चीज़ क्या हुई, कन्वर्ट होगी डायरेक्टली, तो आप इस चीज़ को यहाँ पे अनटिक कर सकते हैं। ठीक है, देखिए पैटर्न आ गया है, अभी आपको एक्सट्रूड करना था, यहाँ से इसे एक्सट्रूड कर दीजिएगा और ये देख लीजिए जितना अमाउंट आप देना चाहते हो वो अमाउंट आप यहाँ पे दे दीजिए, एंड ये देख लीजिए शेप आपको यहाँ पे मिल जाएगा। एक ये तरीका होता है, लेकिन इसके अंदर क्या होगा ना कि आपको थोड़ा सा लेंथी प्रोसेस फॉलो करना पड़ता है। अगर आप एक इमेज को डायरेक्टली कन्वर्ट करना चाहते हो AI फॉर्मेट में, तो उसके लिए ना हम लोग एक वेबसाइट का भी यूज़ कर सकते हैं। उसके लिए मैं क्या करूँ, एक दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए ये ऑब्जेक्ट था आपका, आपको इसको कन्वर्ट करना था। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो इमेज को सेव करेंगे, इमेज को मैंने सेव किया, फॉर्मेट देख लीजिएगा, सिंपली सेव कर लीजिए। नाउ वेबसाइट हमारी कौन सी है, यहाँ पे convertio.com। आप सिंपली इस वेबसाइट पे जाएंगे, एक्चुअली .co है। ठीक है, यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिलेगा चूज फाइल का, आप इस ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद सेलेक्ट कीजिए उस पर्टिकुलर फाइल को, यहाँ से ओपन कर दीजिए। ठीक है, यहाँ पे क्या आ गया कि किस फॉर्मेट में आप कन्वर्ट करना चाहते हैं, क्लिक करेंगे तो काफ़ी सारे ऑप्शंस आ गए। तो आपका मैक्स .dxf को भी सपोर्ट करता है, एंड जैसे कि मैंने देखा .ai को भी करता है, तो आप इन दोनों फॉर्मेट में से किसी भी फॉर्मेट को सेलेक्ट कर सकते हैं। मान लीजिए कि AI के थ्रू ही जाते हैं तो सिंपली आप इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ से आप क्या करेंगे, उस चीज़ को कन्वर्ट कर देंगे। कन्वर्ट हो गया, प्रोसेस आपकी यहाँ पे अभी चल रही है। जैसे ये प्रोसेस कंप्लीट हो जाती है, आपको सिंपली एक ऑप्शन मिलेगा डाउनलोड का, आप उस ऑप्शन पे क्लिक करके AI फॉर्मेट को डाउनलोड कर सकते हैं। आगे यहाँ पे आप सिंपली इस पर क्लिक कर देंगे, ये देखिए डाउनलोड हो गया। यहाँ पे क्या हुआ, मुझे सिर्फ फॉर्मेट डिफाइन करना पड़ा और वेबसाइट ने ऑटोमेटिकली इसको कन्वर्ट कर दिया। ठीक है, मैक्स पे जाइएगा और यहाँ पे हम क्या करेंगे, फाइल को सिलेक्ट किया और मैंने यहाँ पे इसको लेट सपोज मूव कर दिया। फाइल टैब पे गए, इम्पोर्ट, एंड इम्पोर्ट के ऑप्शन पे क्लिक करना है आपको, सिलेक्ट करके सिंपली आपको ओपन कर देना है, वही चीज़ आ गई। ठीक है, यहाँ पे इस पर क्लिक कर दीजिएगा, यहाँ पे ओके कर देंगे। अभी रीनेम ऑल और जो भी आप शेप देना चाहते हैं, नेम देना चाहते हैं, वो देखिए यहाँ पे ओके कर दीजिए। देखिए फॉर्मेट आपका आ गया, साइज छोटा है, R प्रेस करके आप इसको स्केल कर सकते हैं, एंड वही चीज़ जो आप यहाँ पे ऐड करना चाहते हैं, जैसे एक्सट्रूड ऐड करना होगा गाले में कन्वर्ट करने के लिए, तो यहाँ पे जाइए और यहाँ पे आप इसके अंदर एक्सट्रूड मॉडिफायर ऐड कर सकते हैं। देख लीजिए थोड़ा सा टाइम लेते हैं, अगर आपका जो फाइल है वो हैवी है तो थोड़ा सा आपको यहाँ पे टाइम देना पड़ेगा। नीचेस दीजिएगा और यहाँ पे आपको कितना थिकनेस देना वो आप यहाँ पे डिफाइन करेंगे। ठीक है, ये देख लीजिए, क्लियर है। तो यहाँ से आप क्या कर सकते हैं, डिफरेंट डिफरेंट तरीके के जाली की जो डिज़ाइन है वो आप यहाँ पे क्रिएट कर सकते हैं। और एक और मेथड हमारे पास होता है, जैसे तीन मेथड के अंदर तो क्या हुआ, हमने वो पैटर्न डिज़ाइन किए जिसका एक आइडेंटिकल शेप नहीं था। ठीक है ना, वो क्या हो रहे थे, चेंज हो रहे थे। अगर इनके कोई ऐसा शेप है जिसको आप मैन्युअली भी क्रिएट कर सकते हैं, तो उनके लिए सारे प्रिमिटिव्स के ऑप्शन, सारे शेप के ऑप्शन आपके पास हमेशा होते हैं। एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए कि कोई हेक्सागन का शेप है, आपको उस टाइप का जाली बनाना है, तो उस केस में क्या करेंगे, कोई भी एक शेप पिक कर लीजिएगा। जैसे मान लीजिए कि एनगोन था, ये आपने पिक किया। ठीक है, और यहाँ पे मैं क्या करूँगी, एक पैटर्न डिफाइन करूँगी, कितने नंबर ऑफ साइड्स होने चाहिए वो चीज़ आप डिफाइन कीजिए, और यहाँ पे आप एक बेसिक से शेप को क्रिएट करेंगे। जैसे मान लीजिए मैंने इस शेप को क्रिएट किया, अभी यही शेप मेरा कंटिन्यू फॉर्म में चल रहा है, तो मैं क्या करूँ, यहाँ पे सेलेक्ट किया एंड मैंने इसको यहाँ पे कन्वर्ट कर देना है।
सेलेक्ट कीजिएगा। कन्वर्ट करने से पहले कॉपी कर लीजिएगा पहले जितने शेप आप रखना चाहते हैं, उसके बाद अब इसको कन्वर्ट करेंगे। तो सेलेक्ट कीजिए, एक आप डायमेंशंस और डायरेक्शन डिफाइन कीजिएगा, स्नैप को ऑन करके आपको सिंपली यहाँ पे इसकी कॉपी लेनी है। इसको मैंने कर देना यहाँ पे वर्टेक्स एंड यहाँ पे मैं इसकी कॉपी लूँगी। इससे पहले एक और चीज़, मैं इसको यहाँ पे रोटेट करूँगी, ठीक है, आपको इस तरीके से चाहिए ये चीज़। नाउ पिक कीजिए, यहाँ पे मैंने लिया इसका कॉपी। कितने नंबर ऑफ कॉपीज आपको लेने हैं वो यहाँ पे डिफाइन कीजिएगा और यहाँ से ओके कर दीजिए। सेलेक्ट कीजिए, यहाँ पे हम एक्सेस ब्लॉक करेंगे या फिर सेंटर से पिक कर लीजिएगा और यहाँ पे मूव कर दीजिए। किया आपने, अभी अपने यहाँ पे काफ़ी सारे डिज़ाइंस बना लिए, ठीक है ना। अगर क्या होता है कि हम पहले ही उस कम्प्लीट एरिया में बना लेते हैं तो पॉसिबिलिटीज़ है कि कुछ शेप्स आपके यहाँ पे करेक्ट ना हो, तो आप सिर्फ वो पैटर्न बनाइए जो आपको अभी रखना है, बाकी के पैटर्न सिमिलर रहेंगे तो हम उसको बाद में अटैच करेंगे। अभी इसके लिए क्या करें, ये सारे पैटर्न है इसको आप राइट क्लिक करके कुछ टाइम के लिए हाइड कर दीजिए। नाउ एक शेप को सिलेक्ट कीजिएगा, राइट क्लिक करके आपको क्या करना है उसको एसपी लाइन के अंदर कन्वर्ट कर देना है। कन्वर्ट करने के बाद मैं यहाँ पे क्या करूँगी, सभी शेप्स को अटैच कर दूँगी। थोड़ा सा स्क्रॉल करके जाइएगा, यहाँ पे आपको करना क्या है, अटैच के ऑप्शन पे जाना है, तो इसको कीजिए यहाँ पे आप इस तरीके से, ज्योमेट्री टैब पे जाइए और यहाँ पे आपको क्या कर देना है, अटैच मल्टीपल दिस वन, ठीक है। पिक कीजिए, सारे शेप्स को सिलेक्ट कर लीजिए, यहाँ पे कर दीजिए अटैच। अटैच हो गया है, नाउ क्या करेंगे, राइट क्लिक करके इसको कन्वर्ट कर दीजिए पोली में, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे भी प्रॉब्लम आ गई है ना, तो इसी चीज़ को अवॉइड करना था हमें, तो हम लोग क्या कर देते हैं, ये वाली जो एसपी लाइन है इसको डिलीट कर देते हैं। नाउ इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी आपको, इसे कर दीजिएगा डिलीट। पहले आप क्या करेंगे, इसको क्या कर दीजिए, राइट क्लिक करके कन्वर्ट कर दीजिए पोली में, यहाँ तक करेक्ट है, सिलेक्ट कर लीजिए इसे। यहाँ पे जाइए, इसकी पहले जो पीवट है उसको सेंटर में कर दीजिए। नाउ यहाँ पे आप सेट करेंगे, इसको कर लीजिएगा कॉपी, अभी कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है, सेलेक्ट कर लीजिए और इस पर्टिकुलर शेप को भी आप यहाँ पे कॉपी करेंगे। नाउ आप नंबर ऑफ कॉपीज डिफाइन करके सिंपली ओके कर सकते हैं। ये चीज़ हो गई, किसी भी एक शेप को पिक कीजिएगा, पोली के अंदर कन्वर्ट है, सेम तरीके से हम क्या करेंगे उसको अटैच कर देंगे, कंट्रोल ए एंड यहाँ से अटैच हो गया। अभी वही चीज़ फॉलो आपको करनी है, ठीक है ना। क्या करेंगे हम लोग, पॉलीगन कंट्रोल ए, थोड़ा सा हम इसे स्क्रॉल करेंगे, इंसर्ट के ऑप्शन पर जाएंगे और यहाँ पे ग्रुप है तो वो पूरा चल रहा है, ठीक है ना। तो अभी देखिए ऐसा चल रहा है, अगर इनकेस ऐसा नहीं होते तो बाय पॉलीगन कर लीजिएगा। फिर यहाँ पे आप डिफाइन कीजिए कि कितने एंगल पे आपको रखना है, ठीक है ना, कितना आप ये वाला लेंथ रखना चाहते हैं, सिंपली आप टिक कर दीजिए, इनके वाले पोर्शन को आप डिलीट कर सकते हैं। पॉलीगन है, कंट्रोल ही कीजिए और सिंपली आप यहाँ पे इसको एक्सक्लूड करोगे, क्लियर। यहाँ से फिर आप अनहाइड कर लीजिएगा। तो तीन से चार मेथड होते हैं जाली को क्रिएट करने के, ठीक है। कौन कौन से मैथड थे एक दफ़ा रिकैप कर लेते हैं। पहला मैथड था टोपोलॉजी का, जिसमें हमने एक प्लेन क्रिएट किया, उसके अंदर हमने नंबर ऑफ सेगमेंट्स डिफाइन किए और यहाँ से हमने क्या किया, पॉलीगन मॉडलिंग के अंदर जनरेट टोपोलॉजी का जो ऑप्शन था उस पर हमने टिक किया, डिफरेंट डिफरेंट पैटर्न हमने क्रिएट किए एंड एडिटेबल स्प्लाइन, इसके अब से हमने ये पैटर्न बनाए, और एडिटेबल पोली, जहाँ पर हमें पॉलीगन्स का यूज़ किया। आप ये पैटर्न बना सकते हो। दूसरा तरीका हमने क्या देखा कि हमने फोटोशॉप के अंदर एक इमेज को एआई के अंदर कन्वर्ट किया और फिर हमने यहाँ पे उसको इंपोर्ट करके एक्सट्रूड किया। थर्ड मेथड के अंदर प्रोसेस सेम था, फॉर्मेट सेम था, लेकिन तरीका डिफरेंट था, हमने किसका यूज़ किया, कन्वर्टिव वेबसाइट का यूज़ किया। और फोर्थ मेथड के अंदर जहाँ पे आपके शेप्स बिल्कुल एग्जैक्टली चल रहे, बिल्कुल सेम चल रहे, आइडेंटिकल एक दूसरे से, वहाँ पे हमने क्या किया, एक शेप को बनाया एंड देन हमने उसकी कॉपीज क्रिएट की थी, क्लियर। तो ये तीन से चार मेथड है, आप इन मेथड्स का यूज़ कर सकते हैं और एक्सटीरियर के अंदर आप डिफरेंट डिफरेंट तरीके के जो जाली डिज़ाइन है वो आप क्रिएट कर सकते हैं। आई होप ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत इन्फॉर्मेटिव रही होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए और इसी तरीके की इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सो न्यू वीडियो के साथ जल्दी मिलते हैं, टिल देन टेक केयर एंड गुड बाय।